ये बताइए कि आप काम मांगने जाते थे और आपको स्टूडियो के गार्ड लौटा देते थे। हाँ। स्टूडियो से पार पा लिया तो अंदर ये कास्टिंग डायरेक्टर्स के एडी होते हैं तो चुपो चिटाई के इनके नखरे, और ये पाले के उस तरफ थी, ये वो कास्टिंग माफिया का हिस्सा थी कि तुमको देंगे ब्रेक तुमको नहीं देंगे। तो इस बारे में बात होती है कि यार मैंने एज अ स्ट्रगल एक्टर कितना फाइट मारी कि मुझे कोई कास्ट कर ले, और आहाना बताया कि मैंने कितनों को रिजेक्ट किया, कितनों को सिलेक्ट किया। मैं तो स्ट्रगल मतलब यहाँ पे ऐसा था कि मुंबई आया तो अब ये नहीं पता था कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए, क्योंकि सारे दोस्त या तो डॉक्टर थे या स्पोर्ट्समैन, और फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं था। तो मैं जो डायरेक्टरी होती है इंडस्ट्री की वो लेता था, उसमें से पते ढूंढता था। होती है कोई ऐसी सच में? हाँ, फिल्म डायरेक्टरी होती है। तो उसमें मैं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पते ढूंढता था, एक्टर्स के भी पते ढूंढता था। और आज मैं इस चीज को बता रहा हूँ, शबाना आजमी मैम के घर में पहुंच गया था और मुझे ये नहीं पता था कि कुछ 17-18 सालों के बाद उनके हाथ से मुझे अवार्ड मिलेगा। और मैं वो किस्सा बताता हूँ, मैं उनके घर पहुंच गया था और मैंने बेल बजाई, मैं खड़ा हूँ सामने, एक उनके घर से कोई ऐसा निकला, वो काम करने वाले होंगे, उन्होंने दरवाजा खोला, मैंने बोला कि मुझे मिलना है, उन्होंने जाके अंदर जो है संदेश दिया और वो आई, मुझे देखा ऊपर से नीचे तक। इंसानियत क्या होती है वो बता रहा हूँ, ये जिक्र मैंने कहीं नहीं किया आज तक। उन्होंने पूछा कौन हो, कहाँ से हो, यहाँ कैसे आ गए, मैंने जिस वजह से और जैसे आया था वैसे ही बता दिया। उन्होंने मुझे अंदर बिठाया, मुझसे बातें की, पानी पिलाया, पूछा कुछ खाओगे। मुझे उस समय नहीं एहसास था कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, अब उस बात को समझता हूँ कि जो कलाकार स्ट्रगल करके कहीं पहुंचा होता है उसे बिना सुने सिर्फ देख के समझ में आ जाता है कि क्या हालत होगी इस सामने वाले की। तो मैं उस चीज को नहीं भूल पाऊंगा। और विजय राज के घर भी पहुंचा था, उनको मैं एनएसडी में मिला था बिकॉज मैं मेडिकल कॉलेज में था तो भाग भाग के एनएसडी जाता था, मेरी अटेंडेंस पूरी हो जाती थी तो मैं वर्कशॉप करने चला गया, प्लेस देखता था, जहां जो मिल गया करता था। तो जैसे जंगली ग्रोथ होती है वैसी ही वैसा मामला रहा, तो जहां जो मिला करता गया, ऑफिशियली कहीं इनरोल नहीं हो सकता था। तो विजय राज मुझे एनएसडी में दिखे, उनको भी ये किस्सा नहीं याद होगा। मैं उनको मिला, उनसे बात की और नंबर मांगा, उन्होंने दे दिया, कोई नंबर ऐसा 7-8 डिजिट का नंबर था, मोबाइल नंबर नहीं था। और मैं जब मुंबई आया कुछ सालों के बाद, अभी मेडिकल कॉलेज में था, यहाँ आया तो मैं जानता ही नहीं था किसी को, तो मैं सोचा कि चलता हूँ। मैंने उस नंबर पे कोशिश की, फिर किसी से बात हुई, फिर उनका मुझे पता मिला, उनके घर पहुंचा, बेल बजाई, वो देखे तो ऐसे पहचाना नहीं पहचाना, फिर उनको सारी चीजें मैंने याद दिलाई, उन्होंने बिठाया, उनकी पत्नी थी साथ में, उन्होंने ऑमलेट बनाया, ब्रेड मंगाई, चाय बनाई और मुझे बिठाया, खिलाया और खूब बातें की। मैं इस तरह की चीजों को कभी नहीं भूलता, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसे अनकंडीशनल कहा जाता है, ये इंसानियत है, ये वो इंसान है। तो इन चीजों के लिए आज मैं सबके सामने उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसी वजह से नहीं किया, वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम सारे एक दूसरे से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे की चीजों को शेयर करते हैं, बांटते हैं, चाहे दुख हो सुख हो, ये जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो आज पहली बार ये दोनों घटनाएं मैं शेयर करूँ।